अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को पढ़ना है, विच इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट इनसोल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम लिक्विड्स में से क्या चीज़ अलग करते हैं, इनसोल्युबल पार्टिकल्स को। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, वो सोल्युबल भी हो सकते हैं और वो इनसोल्युबल भी हो सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम इनसोल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से रिमूव करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है? वो है फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फिल्टर मीडिया। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। अब ये क्या चीज़ है? द पोरस मटीरियल्स यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, यानी वो चीज़ें, वो सुराखदार चीज़ें जिनकी मदद से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिल्टर मीडिया। अब ये जो मीडिया वर्ड है, ये मीडियम की जमा है। मीडियम एक के लिए यूज़ होगा, मीडिया ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। यानी वो चीज़ें, वो पोरस मटीरियल जिनकी मदद से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? फिल्ट्रेशन मीडिया। फिल्ट्रेशन मीडिया हमारे पास कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं? फिल्टर पेपर हो सकता है, क्रूसिबल्स हो सकते हैं। अब ये क्रूसिबल्स क्या चीज़ हैं, ये आगे जाके एक टॉपिक आएगा, तब हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लोथ यानी कपड़े भी फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, फिल्टर मीडिया के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। प्लस आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जो आपकी टी स्ट्रेनर होती है, चाय की जो पौनी होती है, वो भी एक फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है, जो जिसकी मदद से हम चाय की पत्ती को चाय से अलग करते हैं, तो वो भी एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने कौन सा फिल्टर मीडिया यूज़ करना है। हमने क्लोथ यूज़ करना है, क्रूसिबल यूज़ करना है, कि फिल्टर पेपर यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि हम जिन पार्टिकल्स को अलग करना चाह रहे हैं उनकी नेचर कैसी है। तो नेचर ऑफ पार्टिकल की बेस पर ही फिल्टर मीडिया यूज़ किए जाते हैं या सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में चंद एक बातें बुक के अंदर लिखी हुई हैं कि जो फिल्ट्रेशन है आम तौर पे, दैट इज़ यूजुअली अ स्लो प्रोसेस। जो फिल्ट्रेशन है वो आम तौर पे क्या होता है, एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, इस पर कई घंटे लग सकते हैं, और ये एक आम तौर पे स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि फिल्टर पेपर इज़ अवेलेबल इन वराइटी ऑफ पोरोसाइट्स। हमारे पास जो मार्केट में फिल्टर पेपर अवेलेबल होते हैं ना, वो डिफरेंट वराइटी होती है उनकी, डिफरेंट पोरोसाइट्स में अवेलेबल होते हैं। पोरोसाइट्स का मतलब है पोर साइज़, उनके डिफरेंट पोर साइज़ हो सकते हैं। कोई स्मॉल पोर साइज़ वाले फ़िल्टर पेपर हो सकते हैं, कोई लार्ज पोर साइज़ वाले, कोई मीडियम पोर साइज़ वाले। अब हमने कौन से पोर साइज़ वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे पास पार्टिकल कितने साइज़ के हैं? अगर हमने बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करना है तो हम बिगर साइज़ वाला जो है वो फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, स्मॉलर वालों को करना है तो स्मॉलर पोर्स वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। तो यही बात आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि विच पोर साइज्ड फिल्टर पेपर इज टू बी यूज्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। किस पार्टिकल्स का साइज क्या है, उसकी बेस पर हम फिल्टर पेपर जो है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि स्टेप्स फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन। अगर आपने स्मूथ फिल्ट्रेशन करनी है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? स्टूडेंट्स, इन तमाम स्टेप्स को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ सो दैट इट इज़ 1/4 से लेकर 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। जो आपका फिल्टर पेपर है, जो कि इस फनल के अंदर लगा होता है, ये देखें ये फनल है, इसके अंदर आपने फिल्टर पेपर लगाया होता है, तो वो ये कहता है कि फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि जैसे ही फिल्ट्रेशन ख़त्म हो तो मैक्सिमम इस फिल्टर पेपर का आधा हिस्सा यूज़ हुआ हो, या हमारे पास 1/4 हिस्सा यूज़ हुआ हो। उसके कहने का मतलब यह है कि इतना छोटा फिल्टर पेपर ना लें कि जैसे ही फिल्ट्रेशन ख़त्म हो तो जो हमारे पास गंद वाला और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट थे वो इसकी लेयर से बाहर, इसके स्ट्रक्चर से बाहर गिर रहे हों। तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम ये कितना यूज़ हो, आधा यूज़ हो मैक्सिमम या 1/4 यूज़ हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट, वो ये है कि द फनल शुड बी लार्ज इनफ सो दैट इट्स रिम एक्सटेंड्स 1-2 सेंटीमीटर अबव। जो आपकी ये फनल है, ये देखिए, ये जो आपकी फनल नज़र आ रही है, इसके ये जो पॉइंट है ना, ये इसका रिम है, ये जो साइड्स हैं ये इसके रिम्स हैं। अब वो ये कहता है कि जो फनल है आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो आपका उसका जो रिम है, ये जो चीज़ें हैं, ये 1-2 सेंटीमीटर एक्सटेंड होनी चाहिए ऊपर की तरफ। यानी ये ना इस तरह से फनल ना हो आपकी कि मैक्सिमम वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए।
तो ये जो रिम है वो इसका 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि जब आप फिल्टर पेपर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये देखें, जब मैं फिल्टर पेपर इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो उसको एक सपोर्ट मिल जाती है फिल्टर पेपर को, वरना वो फिल्टर पेपर यहाँ से आ सकता है बाहर और आपका जो लिक्विड है वो भी यहाँ से गिर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं अगर इसका रिम 1 से 2 सेंटीमीटर क्या हो, ऊँचा हो। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि स्टेम शुड बी कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड। जो फनल की स्टेम है वो मुसलसल लिक्विड के साथ भरी होनी चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फनल की स्टेम है, ये जो इसका तना है ना इसको हम स्टेम बोलते हैं, ये इसका कॉनिकल सेक्शन है फनल का, ये हमारे पास स्टेम आ गई और ये जो लास्ट पे है ये है हमारे फनल की टिप। वो ये कहता है कि ये जो स्टेम है इसके अंदर मुसलसल लिक्विड बहते रहना चाहिए, जब तक लिक्विड इस कॉनिकल सेक्शन में है तब तब लिक्विड इस स्टेम में भी फुल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टेम के अंदर लिक्विड आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्मूथ फिल्ट्रेशन में रिस्ट्रिक्शन आ गया, रुकावट आ गया और वो स्मूथ फिल्ट्रेशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि स्टेम शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग। जो हमारा स्टेम है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए, सो दैट इसके आगे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ताकि ये बीकर के अंदर चंद सेंटीमीटर नीचे तक जा सके, सो दैट इट मे एक्सटेंड्स अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन नीचे द बीकर, बीकर के अंदर ये फनल इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि ये बीकर के अंदर कुछ सेंटीमीटर नीचे तक जा सके। स्टूडेंट्स अगर ये छोटी होगी फनल, फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है और ये मेरे पास फनल है इस तरह की और ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गई है, यानी ये छोटी फनल है। जब फनल छोटी होती है तो लिक्विड जब हमारे पास फ्लो करता है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है बीकर और फनल के दरमियान, जिसकी वजह से यहाँ से जब लिक्विड नीचे गिरता है तो उसके छींटे ऊपर उठ सकते हैं, स्प्लैशिंग हो सकती है, इस वजह से ये फ्यू सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। जो फिल्टर जो हमारी फनल है इसकी जो टिप है, ये आप देख रहे हैं टिप, ये जो बीकर है इसकी साइड के साथ लगी होनी चाहिए, एक दीवार के साथ साथ जो इसका स्टेम है और जो इसकी टिप है वो साथ साथ लगी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है वो दीवार के साथ साथ फ्लो करके ऐसे नीचे गिरेगा, वरना अगर आप इस टिप को यहाँ पर रख लेते हैं यानी सेंटर में कहीं पर आप फनल रखते हैं तो उससे जब लिक्विड नीचे गिरेगा तो उससे क्या हो सकती है, हमारे पास छींटे उड़ सकते हैं, स्प्लैशिंग हो सकती है। बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने स्प्लैशिंग यानी छींटों से अवॉइड करनी है तो आपकी जो टिप है फनल की दैट शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, ये साइड ऑफ बीकर के साथ आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो लिक्विड है हमारा वो दीवार के साथ साथ फ्लो करता हुआ बीकर के नीचे आएगा। स्टूडेंट्स ये तो हमारा टॉपिक था आज का, इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने फिल्ट्रेशन को पढ़ा। फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट इनसोलिबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम ना हल पजीर जो पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड से अलग करते हैं। अब जिन चीज़ों की मदद से हम फिल्ट्रेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं फिल्टर मीडिया, या एक को बोलते हैं फिल्टर मीडियम। अब वो क्या चीज़ें हैं? द पोरस मटीरियल, वो सुराखदार मटीरियल्स दैट यूज फॉर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम फिल्टर मीडिया कहते हैं, जो कि फिल्टर पेपर हो सकते हैं, क्रूसिबल्स हो सकते हैं, कपड़ा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है इनमें से। अब कौन सा फिल्टर मीडिया हमने यूज़ करना है ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने जिन पार्टिकल्स को अलग करना है उनकी नेचर कैसी है, क्या वो बिगर साइज़ के हैं, स्मॉलर साइज़ के हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, जिसमें हमने कहा कि फिल्ट्रेशन स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारे पास फिल्टर पेपर मार्केट में है वो डिफरेंट पोरोसाइट्स में अवेलेबल हैं, यानी डिफरेंट पोर साइजेस में अवेलेबल हैं। पोरोसाइट्स जो वर्ड है ये कई दफ़ा MCQ आ चुका है बोर्ड में, तो इसका मतलब है पोर साइज। डिफरेंट पोर साइजेस में हमारे पास फिल्टर पेपर मौजूद हैं, स्मॉल पोर साइज, मीडियम पोर साइज, लार्ज पोर साइज। अब कौन से पोर साइज वाला फिल्टर पेपर हमने यूज़ करना है ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, हमारे पास साइज क्या है पार्टिकल्स का जिनको हमने अलग करना है। बिगर साइज क्या है तो बिगर साइज वाला हमने फिल्टर पेपर यूज़ करना है। इसके बाद हमने कहा कि स्टेप्स क्या हैं स्मूथ फिल्ट्रेशन के, तो हमने कहा कि जी हमारे पास फिल्टर पेपर जो है वो लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि जब फिल्ट्रेशन ख़त्म हो तो उसका मैक्सिमम 1/4 हिस्सा यूज़ हुआ हो या 1/2 हिस्सा यूज़ हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि फनल इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि उसका जो रिम है वो 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, ये अबव होना चाहिए फ्रॉम द टॉप
सर्कमफेरेंस ऑफ फिल्टर पेपर, ये यहाँ तक फिल्टर पेपर होगा ना, तो फिल्टर पेपर के सर्कमफेरेंस से ये जो इसका सर्कुलर हिस्सा है इससे 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, इससे एक स्पॉट मिल जाती है लिक्विड को जैसे ही हम इसको पोर करते हैं इस फनल के अंदर। नेक्स्ट हमने कहा कि स्टेम शुड बी सेवरल इंचज लॉन्ग, जो हमारे पास तना है फिल्टर पेपर का वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, इससे क्या होगा वो फ्यू सेंटीमीटर डाउन द बीकर जा सकता है, बीकर के अंदर काफ़ी सेंटीमीटर तक जा सकता है। फिर हमने कहा कि जो टिप है उसकी दैट शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, जो टिप है वो बीकर की साइड के साथ टच करनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि वाई द टिप ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, इसका आंसर सिंपली ये है कि अगर टिप साइड ऑफ बीकर से टच करती है तो लिक्विड जो है वो साइड ऑफ बीकर के साथ साथ चलता हुआ नीचे गिरता है और हमारे पास स्प्लैशिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम सेंटर में करके रखेंगे टिप को तो उसकी वजह से स्प्लैशिंग हो सकती है।